तो चलिए आज शेयर करेंगे ना कि हम अपने घर का सोफ़ा कैसे क्लीन करते हैं, और हम ना हर 2 वीक में इस तरह से क्लीन करते हैं, इसीलिए 4 सालों में भी हमारा सोफ़ा अभी तक इतना अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पानी लिए हैं, पानी हम ना हल्का गर्म, एकदम कोल्ड भी नहीं लेना है, हॉट भी नहीं लेना है, मीडियम गर्म लेना है। और इसमें ऐड करेंगे हम घर का बना हुआ लिक्विड जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, जिसमें विनीगर, बेकिंग सोडा और आले रेनिगर आता है, वो सब मिक्स करके बनाते हैं। और साथ में फैब्रिक का जो परफ्यूम होता है वो डालेंगे, और उसको कपड़े वाला जो आता है और उसको डाल के, और इसमें एक टॉवल लेंगे, एकदम क्लीन टॉवल लेना है आपको, क्योंकि आपको साफ करना है सोफ़ा। तो एक क्लीन टॉवल लेंगे और एक लीड लेंगे बर्तन का, और इसको करना है टॉवल के बिछा के, और उसको मस्त चारों कॉर्नर से बांध देना है आपको अच्छे से। ये देखो, अगर नहीं बांधे हो बांधोगे ना तो बस ऐसे ना ऊपर एकदम चारों बगल से पकड़ लेना ताकि टाइट हो जाए। और टाइट होने के बाद अब करना क्या है, ये देखिए कैसे हम क्लीन करते हैं, और इसको आपको रगड़ना है, ये देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे इस तरह से ना पूरे सोफ़ा को हर बार भिंगो भिंगो के, ऐसे ही पानी निचोड़ के, फिर पूरा सोफ़ा को इस तरह से साफ़ करेंगे। और इसे सूखने में 1 से 2 आवर लगता है, तो हम ये प्रीफर करते हैं नाइट में, नहीं तो आफ्टरनून में जब घर में कोई सोफ़ा पे बैठने वाला नहीं हो ना, उस समय ना क्लीन करें, ताकि ना शाम तक जब झाजी आए सोफ़ा पे बैठने के लिए क्लीन सूख जाए। तो चलिए यहाँ पे फटाफट पूरे सोफ़ा को क्लीन करते हैं, और ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, पूरा रगड़ना है। इसमें ना कोई भी दाग अगर कुछ भी है ना वो क्लीन हो जाता है, और बहुत ही, और जो बैठ जाता है ना सोफ़ा, क्या होता है बैठते बैठते ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और ऐसे क्लीन करने के बाद ना वो हार्ड भी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो फुल लुक हमारे सोफ़ा का पूरा क्लीन हो चुका है, ड्राई होने देते हैं, 1 से 1.5-2 घंटे यहाँ पे ड्राई होगा, उसके बाद देखिए। और अभी भी देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, सूखने के बाद तो और चमक आता है। जब नहीं क्लीन करते हो ना तो झाजी बोलते जल्दी साफ करो गंदा हो चुका है, तो कैसा लगा ये आइडिया?